हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो भाई सब लोग। कल मैं नहीं आया यार, क्योंकि आपको बताने के लिए कुछ खास अपडेट्स थे नहीं हमारे पास। अब कैसे भी करके वीडियो बना ही देना है, ये अपना मकसद नहीं है। एनीवे, कल के टाइम का सही यूज करते हुए टोटो को पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया है। बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दिस इज एपिसोड नंबर 204। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट अपडेट है ए वतन मेरे वतन मूवी को लेकर। तो करण जौहर ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है, ये बताते हुए कि उषा मेहता कौन थे और उन्होंने देश के लिए क्या किया है। टीजर में बताया गया है कि 22 साल की एक लड़की जिसने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपनी जान पर खेलकर अंडरग्राउंड रेडियो के थ्रू देश की जनता को एक करने का साहस किया था। अंग्रेज इस क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल रहे थे, देश के लोग और आंदोलन बिखर रहा था। तब इस रेडियो ने और उषा मेहता ने देश को जोड़ने का काम किया था, ये जानते हुए भी कि अंग्रेज उन्हें नहीं छोड़ेंगे। 4 मार्च को यानी कि कल फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। फिल्म आने वाली है 21 मार्च को अमेजन प्राइम पर। उषा मेहता का किरदार किया है सारा अली खान ने। नेक्स्ट अपडेट है हंसल मेहता की अपकमिंग सीरीज लुटेरे को लेकर। तो इसका टीजर आ चुका है, 20 सेकंड का वीडियो है भाई, लेकिन सीरीज के लिए एक्साइटमेंट जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। रजत कपूर लीड में है नेवी ऑफिसर के किरदार में। समंदर के बीचों बीच उनकी शिप है और वहाँ कुछ लुटेरे शिप पर अटैक कर देते हैं। सीरीज में हाई ऑक्टेन एक्शन होंगे, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे और थ्रिल और सस्पेंस का तड़का होगा। अब देखो, हंसल मेहता का क्रिएशन है इसलिए उम्मीदें तो है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये हॉलीवुड की मूवी कैप्टन फिलिप्स की कॉपी है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भी पहली नजर में ऐसा ही कुछ लगा। लेकिन क्या है कि कैप्टन फिलिप्स जो थी वो रियल इवेंट पर बेस्ड मूवी थी, तो हो सकता है कि ये सीरीज भी उन्हीं इवेंट्स पर बेस्ड हो। अब यार इवेंट सेम होगी तो दुनिया में उसके ऊपर कहीं पर भी कुछ भी बनेगा, मूवी सीरीज या फिर शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कुछ भी बनेगा सेम ही लगेगा। वैसे कैप्टन फिलिप्स एक मूवी थी और ये एक सीरीज है, तो उम्मीद है कि उन इवेंट्स को ज्यादा डिटेल में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है उनके लिए जो यशराज फिल्म प्रोडक्शन की मूवी सीरीज या फिर किसी भी तरह के क्रिएशंस में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर। तो देखो भाई, सिस्टम तो ये है कि अगर आप किसी फिल्म में किसी सीरीज में काम करना चाहते हो तो आपको कास्टिंग एजेंट्स के ऑफिस पर जाना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल्स और ऑडिशंस वगैरह वहां पर देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो जो भी ऑडिशंस जहां जहां पर भी हो रहे होंगे, आपको उनको ढूंढ कर वहां तक जाना है और अपना हुनर दिखाना है। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ स्कैम्स हो जाते हैं, लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए वायरएफ ने अपनी एक कास्टिंग ऐप लॉन्च की है, जिसमें एस्पिरेंट्स अपनी प्रोफाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और वहीं पर उन्हें वायरएफ के अपकमिंग ऑडिशंस के बारे में अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और वहीं पर वो अपने ऑडिशन भी रिकॉर्ड करके सबमिट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी प्रोडक्शंस और कास्टिंग एजेंट्स को भी ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए ताकि बीच में जो लूटने वाले लोग हैं वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट अपडेट है हनुमान मूवी के OTT रिलीज को लेकर। तो अब ये फिल्म 8 मार्च को आने वाली है Zee5 के ऊपर। बहुत ज्यादा घुमाया है भाई, अब तो कर दो रिलीज, इतना भी इंतजार नहीं करवाना चाहिए कि यार जनता का एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट अपडेट है गामी मूवी को लेकर। तो इसका भी ट्रेलर आ चुका है 2 दिन पहले और ट्रेलर प्रॉमिसिंग है भाई। ये फिल्म पिछले 5 सालों से बन रही थी। विश्वाक सेन जो कि एक अघोरी के किरदार में है, जिसे एक रेयर बीमारी है, वो कभी ह्यूमन टच को सेंस नहीं कर सकता है और इसके सॉल्यूशन की खोज में वो हिमालय में जाता है। तो हमें फिल्म के अंदर उस किरदार की पूरी जर्नी दिखाई जाएगी। विजुअल्स एंड BGM स्टनिंग है। 8 मार्च को आने वाली है फिल्म थिएटर्स में। अब देखते हैं नॉर्थ बेल्ट में इस फिल्म को कैसे रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है थलापति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी को लेकर। तो इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा हाइप तो है मार्केट में, क्योंकि ये थलापति विजय की सेकंड लास्ट फिल्म होगी, उसके बाद वो सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। तो अपडेट ये है कि द गोट के डिजिटल राइट्स को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, वो भी 125 करोड़ रुपए में। नंबर सुन के किसी को भी चक्कर आ सकता है, फिल्म ने आने से पहले ही 125 करोड़ रुपए छाप लिए है भाई। वैसे थलापति विजय की लियो के डिजिटल राइट्स भी नेटफ्लिक्स ने ही खरीदे थे 120 करोड़ रुपए में। तो इस बार उन्हीं की फिल्म ने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 में रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर। इस बारे में हाल ही में उन्होंने कुछ बातें रिवील की, जैसे कि इस बार तो वो पुष्पा की वाइफ के किरदार में है और पुष्पा की वाइफ होने के नाते कुछ खास जिम्मेदारियां होगी श्रीवल्ली की। अब देखो, पुष्पा भाव इतना बड़ा साम्राज्य लेकर बैठे हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स तो भाभी को भी संभालने पड़ेंगे ना यार। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार पुष्पा 1 से ज्यादा ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे किरदारों के बीच में। और एक खास बात, इंडिया के साथ साथ जापान के अंदर भी पुष्पा 2 सेम डे रिलीज होने वाली है, यानी कि पुष्पा भाव के फैंस की सॉलिड डिमांड जापान में भी आग लगा रही है। नेक्स्ट अपडेट है मुकेश काका के लड़के अनंत की प्री वेडिंग इवेंट को लेकर। तो भाई, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया के अंदर अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी के चर्चे है आजकल। मुकेश काका ने पूरे बॉलीवुड को, क्रिकेटर्स को, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को, सिंगर्स को जामनगर में उतार दिया है। 3 दिन का इवेंट है। अरे, जामनगर एयरपोर्ट का रिकॉर्ड बन चुका है, 1 दिन के अंदर 140 से ज्यादा फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ है भाई। शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों साथ में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। SRK ने इवेंट को होस्ट किया। इंटरनेशनल सिंगर रिहाना के गानों ने माहौल बना दिया। मार्क जकरबर्ग से लेके बिल गेट्स
सबने हाजिरी दी भाई इवेंट। और भी बहुत कुछ हुआ है, क्या क्या हुआ है ये आप खुद देख लेना, मैं सब कुछ बताने जाऊंगा तो भाई सुबह हो जाएगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जेस्टेक टीम के अंदर एक वैकेंसी है राइटर की। आप में से जो भी लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपना प्रोफाइल jestekdigital@gmail.com के ऊपर भेज सकते हैं। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये ध्यान से सुन लो। नंबर वन, जो सिनेमा लवर्स है, जिसको सिनेमा का नॉलेज है। नंबर टू, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो कंफर्टेबल है। एंड नंबर थ्री एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड है। सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली के अंदर और कोई भी हो जो आपको लगता है इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उन तक इस वीडियो को जरूर से पहुंचा देना। ओके, देन आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिने वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।